संदड़िया दुर्मित बंजे मित्रे साडने से हां टूडेंदी जग सबाया जन नानक विरले के मांगो दान ठाकुर ना मांगो दान ठाकुर ना मांगो बेनती संगत के चरणों के विच कि सारी संगत नाल गुरबाणी शब्द जपो पढ़ो कि सतगुर तो मंगना की चाहिए मंगण दे विच ही सारी गल लुकी है जे सानू मंगना आ जावे तां किसे चीज दी तोड़ नहीं रहिंदी आ सारे जपो मांगो दान ठाकुर ना मांगो दान ठाकुर ना मांगो कछु तेरे
संत रे मांगो, संत रे मांगो, मेरो मन जेता समुंद सागर नीर परिया तेते दया करो दया करो दया करो किच में पावो डूब दे पत्थर तारे मित्र प्यारे नू मित्र प्यारे नू हल नुरी दाद खेना हल मुरी दाद खेना हल मुरी दाद खेना हल मुरी प्यारे नू
मित्र प्यारे नू,
मैं तान दीवान तो है मेरे स्वामी, मैं तुद आए गए अरदास। मैं होर तो नहीं जिस पह करूं बिनंती, मेरा दुख सुख तुद ही पाए। तेरे कमल कमल गुण कह कह गावा, तू साहिब गुनी निदाना, तुम्हारी महिमा बरनना। साको तू ठाकुर यूच भगवान, मैं हर हर नाम, तर सोई जो भावे त्यों रख मेरे साहिब। मैं तुद बिन अवर ना कोई, आदि पुरख करतार करन कारण सब अभे। सर्व रहो भरपूर सगल घट रहो व्यापे, व्यापत देखिए जगत, जाने कौन तेरी गत। सर्व की रखिया करें अवे हर सत, अवनासी अवगत अपे आप उत्पत। एक तू ही एक, आन नहीं तुम भत, हर नहीं अंत पारावर। कौन है करे विचार, जगत पिता है सर्व प्राण को आधार। जन नानक भगत दर, तुल ब्रह्म समसर, एक जी क्या बखान। हाँ के बल 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 सद बल हद बल सुही महला पहला। ऐसा ज्ञान जप मन मेरे, ऐसा ज्ञान जप मन मेरे, ऐसा ज्ञान जप मन मेरे। वो चाकर साचे के बाहर जाए। अमृत
जाकर साजे
ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਨਿੰਦੀ ਮਾਂ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਨਿੰਦੀ ਨਾਮ ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ
ਪਰਵਤਕਾਰ ਅਪਾਰ ਪਰਵਤਕਾਰ ਅਪਾਰ ਅਕਮ ਬੇਅੰਤ ਤੂੰ ਅਕਮ ਬੇਅੰਤ ਤੂੰ ਇਨ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ ਬੰਦਗੀ।
सतगुर प्रीत गुरसिख मुख पाए। माता प्रीत करे पुत खाए, मीने प्रीत भई जल नहाए। आ जगत दे अंदर मदर डे मनाया जा रहा है। गुरसिखी दे अंदर पातशाह ने कहा, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधव, तू मेरा प्राता। पातशाह भाई गुरदास साहब कहंदे, मां दे जीवन दे विचों बड़ियां दातां मिलियां। तिन धन जनेंदी माए सहला आया, सहला सौखा जन्म उदा होया। मां ने की कहा, मां ने कहा सतगुर चरणी जाए शीस नवाया। पहली गल, मां ने सतगुर दी सोझी दित्ती। इत्थे दो अखर आउंदे ने, सतगुर सरणी जाए शीस नवाया, गुर चरणी चित लाए मथा लाया। गुरु ते सतगुरु, इत्थे दो शब्द आए ने। भाई गुरदास साहब ने एक लाइन दे अंदर दो शब्द वरते ने, सतगुर सरणी जाए शीस नवाया। सतगुरु क्या है और गुरु क्या है? गुर चरणी चित लाए मथा लाया। गुर बड़िया बरीकी वालिया गल्लां ने, जिवें चित ते मन जिहड़ा है बहुत नेड़े नेड़े है। चित अते मन, कई बारी आपां कहने मेरा चित ठीक नहीं, कई बारी कहने मेरा मन ठीक नहीं, कई बारी कहने मेरा दिल ठीक नहीं, अरे ऐ बहुत नजदीक हैं। वाल नालों में बारीक इन्हां दी डेफिनेशन है चित और मन दी। चित दे अंदर चितवियां चीजां जिहड़ियां ने रखियां जांदियां परोस के, वस्तु ओही है। जाली दे नाल, छाननी दे नाल जां कड़छी दे नाल उसनूं छान के कढ के इस पासे टका दित्ती जांदी है। मन दे विचों कढ़ी जिहड़ी चित विच जाके वस जावे, चित विच वसण दी नूं चीज नूं कहा जांदा चित, चेते। हुण चित दे विच पई होई वस्तु आपां चेते च लैके आउणे आ, भई आह वस्तुआं जिहड़ियां ने पईआं होईआं साडे स्टोर विच, साडे सूटकेस विच, साडे रूम दे अंदर। चेता है जिहड़ा, जिहड़ा साडा चित है, इह इक साडा स्थान है, मुकाम है। इत्थे आके वस्तुआं टिकदीआं, मन चितवनी करदा, मन चितवनी करके ते इत्थे तक लैके आउंदा। इसे तरह ही सतगुरु ते गुरु दोनों बड़े सूखम हन। सतगुर सरणी जाए शीस नवाया। सतगुरु क्या है? जिहड़ा सच दी सोझी दिंदा, जिहड़ा आप सच है, जिन्हें आप सच किया सब सच, जिन्हें आप सच्चे दी रचना कीती और सारा ही सत जिहड़ा है दुनिया दे अंदर विखा दिता। एक मनुख जन्म लैंदा, उन्हूं दुनिया दे अंदर झूठ ही झूठ नजर आउंदा। एक मनुख दे उपर गुरु दी कृपा हो जांदी है ते फिर कहिंदा आप सत किया सब सत, तिस प्राप्ते सगली उत्पत। आप ओ सत है, सत स्वरूप है, जिन्हें ये सारा कुछ सच्चा कर दिता। सतगुर सरणी जाए शीस नवाया, शीस नवाण दे नाल सत दी प्राप्ति हुंदी है। सत की है? सत सच्चा है। गुर चरणी चित लाए मथा लाया, मथा गुरु के चरणा दे नाल जदों लग्गिया। हुण गुरु क्या है? चित चरण नाम। सतगुरु कलगी धर पातशाह कहंदे कि सतगुर दा शब्द जिहड़ा है चित चरण नाम, नाम जिहड़े हन ये गुरु के चरण हन। शब्द है जिहड़ा ये गुरु के चरण हन। गुर चरणी चित लाए, गुर चरणी दा मतलब है शब्द दे नाल चित लाना। ध्यान रखियो बड़ी सूखम गल है। गुर चरणी चित लाए, सतगुर तो सामने नजर आ रहे, सतगुर सरणी जाए शीस नवाया, गुर चरणी चित लाए। हुण गुरु दे सरूप तो है नहीं जिहदे चरणा दे नाल चित ला लीए। चित चरण नाम, कलगी धर पातशाह कहिंदे एक नाम ही है जिहदे नाल चित लाउणा है। वो नाम की है? नाम नूं ही शब्द कहा गया। गुरु के शब्द दे नाल चित जोड़ना चित चरण नाम। गुर चरणी चित लाए मथा लाया, मथा नवा दिता, गुरु के शब्द दे नाल मथा ला लिया। मन दे अंदर, इस मथे दे अंदर, भाग भिला दे अंदर गुरु का नवासा कर लिया। तीन चीजां ने जीवन दियां, अकल
ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਿਆਣਪ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਥਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਲ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਿਆਣਪ। ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਕਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਬੜਾ ਸੂਖਮ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਅਕਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਲ ਕੇਵਲ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਬੋਲਦਾ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅੱਖਰ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਰਚਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅੱਖਰ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨ, ਅੱਖਰੀ ਨਾਮ, ਅੱਖਰੀ ਸਾਲਾ, ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣਗਾ। ਅਕਲ ਕੇਵਲ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਕਲ ਤੇ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ, ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਕਿਸੋ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਕਲ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਿਆਣਪ। ਸਿਆਣਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਤੂ ਪਾ ਦਈਏ, ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਜ ਦਈਏ ਤੇ ਵਸਤੂ ਉੱਬਲ ਦਈਏ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਦਾ। ਸਿਆਣਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ, ਬਣਾਉਂਦੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਜ ਹੋਇਆ, ਰੋਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਪਲੈਟੋ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਚਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੋਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਕੇਵਲ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਣਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਅਕਲ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਭਟਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ, ਵਾਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਚ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰਤ ਅਕਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗਿਆਨ ਰਾਓ ਜਬ ਸੇਜੈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਭੋਂਕਰੇ। ਗਿਆਨ ਰਾਓ, ਗਿਆਨ ਰਾਓ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸੀ। ਵਟਾਂਦਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਆਪਣਾ। ਵਟਾਂਦਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਔਰਤ ਦਾ। ਧੀ ਦਿੱਤੀ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਸਤੂ, ਅਮੋਲ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਧੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਇਆ, ਐਸਾ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਮਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ, ਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਧਰਮਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਫਲ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਫੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਹਿਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
जिन्हां ने यूनान दे अंदर विज्ञान पैदा किया, जिन्हां ने एशिया दी धरती दे अंदर ज्ञान प्रगट किया, यह केवल तां केवल एक मां सी। तां ही गुरु अर्जन देव महाराज ने जदों मां दे नाल सब तो वड्डा इंसाफ किया, औरत नाल इंसाफ किया, धन गुरु नानक साहब महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे पावन स्वरूप दे अंदर औरत दी उपमा कीती। और इको एक ग्रंथ है दुनिया दा जिस दे विच केवल औरत दा नाम है, किसे वेद शास्त्र दे अंदर नहीं, किसे बाइबल कुरान अंदर औरत दा नाम नहीं, पूजदे हन। पर धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने कहा माता खीवी, खीवी अखर आया गुरु अंगद साहब जी दे महल, माता खीवी शहो सोए जिन गोए उठाली, माता खीवी सेवा करन वाली एनी बड़पागन, जिसने सेवा करके गोए धरती जड़ी है सिर ते चुकली और गुरु नानक साहब जी दे छत्र दे अंदर दिन रात रह के उन्हें सेवा कमाई। क्योंकि गुरु नानक साहब ने पूरना पा दिता, कह लगे इन्हां नूं किवें मंदा कहिंदे हो, इह तां संसार दी उपज दा एक बहुत सुंदर नक्शा है। मां परमात्मा दा रूप है धरती दे अंदर, उपरों परमात्मा ने सिरजना कीती धरती दी, ब्रह्मंडां दी, खंडां दी, वस्तुआं दी, मेवियां दी, दरियावां दी, इस पासे मां ने धरती दे अंदर आके दूजे संसार नूं जन्म दिता। जे किते कुदरत बस परमात्मा कुदरत तां बना दिंदा, मां ना बनांदा ते आ संसार जिहड़ा नजर नहीं सी आना। इसलिए मां महान है, मां दी बाबत गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अंदर अनेकां शब्द आए, ज्यो जननी गर्भ पालती सुत की कर आस, मां अपने पेट दे अंदर बच्चे नूं रख के घर दे कम काज करदी। धन गुरु रामदास महाराज कहिंदे पर आस है इहनूं ठंड ना लगे, इहनूं खाण पीण दीआं वस्तुआं अपने उदर दे विच बैठे इस छोटे जे बच्चे वास्ते अपना खाना पीना त्याग दिंदी, ज्यो जननी गर्भ पालती सुत की कर आस। पातशाह अगे जाके फरमान कर दे, पहला अखर मारे धन जननी जन जाया धन पिता प्रधान, जननी मां दा पहला नाम आप जी ने फरमाया, पिता दा दूजे अखर च आया। क्योंकि मां सियाणी भी बड़ी है, मां दे पास जज्बा भी बड़ा, मां दे पास थकान नाम दी चीज नहीं है। सारा दिन काम करन तो बाद भी सब तो पहला उठ के ते सब तो बाद विच अपने बिस्तरे दे उपर जान वाली है, अपने धियां पुत्रां दी परवरिश करन वाली है। हर जाति दे अंदर सतगुरां ने मां दा सन्मान कीता। और बाबा फरीद साहब इस शब्द नूं इउं फरमान करदे कह रहे ने, आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से तिन धन जनेंदी माऊ, मां तू धन है, तेनू अल्लाह दी सोझी सी ते मैनू अल्लाह दी सोझी दित्ती। मां तेनू अल्लाह दी सोझी है, तू अल्लाह दा रूप है, ता मेरे विचो तू अल्लाह नू प्रगट कीता, ता मैनू खुदाई दी खुदाई विच लाया, सेवा विच लाया। मां तू धन है, तेरे तो मैं जीवन अपना वारने घुमाना जाना, क्योंकि तू धनता दी पात्र है। आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से तिन धन जनेंदी माऊ, आए सफल से, ऐसी मां नूं धन कहिए, बार बार सीस नवाइए। वो धी दे रूप विच, वो भैण दे रूप अंदर है, वो मां दे रूप दे अंदर है। हर औरत मां दे रूप दे अंदर संसार जगत रचना दी जीवदी जागदी परमात्मा दी ओ एक शक्ति है, जिस शक्ति ने संसार नूं रचिया है। बहुत बहुत मुबारकबाद है महाराज, मेरा करन आओ शब्द द्वारा समाप्ति करिए। तन तन जने दी माऊ आए सफल से आप लिए लड़े।